हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं बताइए जल्दी से मैम को। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं। अच्छा ये बताइए, मैम ने आपको प्रीवियस जो भी एक्टिविटी सेंड की थी, उस एक्टिविटी का नाम था मेरा परिवार, है ना? वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता है हमारे टॉपिक का नाम क्या है? आज ऑब्वियसली मैम हिंदी में बात कर रही है, तो आज मैम आपको हिंदी करवाने वाली हैं, लेकिन हिंदी में आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। पहले आपने लर्न किया था स्वर एंड व्यंजन, सिर्फ ये दो चीजें लर्न की थी। आज हम व्यंजन, स्वर और इन्हें मिलाकर हम दो अक्षर वाले शब्द लर्न करने वाले हैं, दो अक्षर से बने शब्द। जैसे कि मैम ने बोला है घ, तो घ से आपको पता चल रहा है जैसे सिंगल लेटर कि ये एक ही लेटर है। अगर मैम ने बोल दिया घर, तो क्या पता चल रहा है कितने अक्षर हैं इसमें? दो अक्षर हैं, घ और र, दोनों का साउंड आ रहा है। तो अब आपको दो अक्षर से रिलेटेड शब्द लर्न करने हैं, रीडिंग करनी है। तो रीडिंग के लिए बुक इज मस्ट। अब बुक तो जरूरी है, विदाउट बुक तो हम रीडिंग नहीं कर पाएंगे ना। मैम की बुक मैम के साथ है। अब आप सब अपनी बुक ओपन कीजिए और मैम के साथ रीडिंग स्टार्ट कीजिए। ओके, तो अब आपको पेज नंबर 19 और 20 की आज हम रीडिंग करने वाले हैं। दो अक्षरों से बने शब्द। दो अक्षर कैसे? जैसे कि मैम ने भी बताया है, फॉर एग्जाम्पल मैम ने यहाँ पर एक अक्षर ले लिया है जैसे ट। ओके, आप ट के साथ ये सिर्फ एक ही अक्षर है, आगे बैक में कहीं दिख रहा है आपको और अक्षर? नहीं दिख रहा है। ट के साथ मैम ने ज्वाइन कर दिया ब। अब आपको यहाँ पर कितने अक्षर दिखाई दे रहे हैं बताइए जल्दी से? ये वन और ये टू, तो ये दो अक्षर बन गए हैं। तो अगर हमने ट और ब इन दोनों को मिक्स किया, ट ब टब, दोनों को मिक्स करके हम ज्वाइन करके अब रीड करेंगे, तो ये बन गया ट ब टब। ओके, पहले सिर्फ ट का साउंड आ रहा था, मैम ने ब नहीं बताया था। अब ट के बाद मैम ने ब भी बोला, तो ट ब और दोनों को ज्वाइन किया तो ट ब टब। तो इसी तरीके से हमें इन अक्षरों को ज्वाइन करना है और फिर दो अक्षर वाले हमें शब्द बनाने हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई है, पहले हम पिक्चर वाले रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम नीचे जो हमारे टू लेटर वाले शब्द है हम इनकी रीडिंग करेंगे। ठीक है, देखिए घ र। अभी फर्स्ट टाइम है, आपको ज्वाइन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए पहले ब्रेक करना है और फिर रीड करना है। घ र घर, घ र घर। हमने घ प्लस र, दोनों को प्लस कर दिया, घ र क्या बन गया? घर। घर क्या होता है? जिसमें आप सब भी रहते हैं। घ र घर। ब प्लस स, तो आपको ब प्लस स नहीं बोलना है, आपको सिर्फ ये बोलना है ब स, बस। बस तो आपने देखी होगी, जब आप कहीं ट्रेवल करते हैं तो हम बस में जाते हैं, आप स्कूल बस में भी जाते हैं, ब स बस, ब स बस। न ल नल, न ल नल टैप, न ल नल। ह ल हल, ह ल हल, ह ल हल। ध न धन, ध न धन, ध न धन, मनी, ध न धन। एक बार फिर से रीडिंग करें हम पिक्चर्स की।
घर घर बस बस नल नल। अभी मैम आपको रीडिंग करा रही है इनको ब्रेक करके, जैसे घर घर, जब आप रीडिंग में परफेक्ट हो जाएंगे फिर आपको ब्रेक नहीं करना, आपको डायरेक्टली वर्ड को रीड करना है। घर घर बस बस नल नल हल हल धन धन। फिर से रीडिंग करें। चलिए ये तो रीडिंग मैम ने कर ली है, अब हम ये ग्रीन पोर्शन में जितने भी वर्ड्स हैं इनकी रीडिंग करेंगे। मैम अपनी बुक में वॉच कर रही है, आप सामने स्क्रीन पर देखना। ओके यहां से मैम स्टार्ट कर रही है। कर कर घर घर चर चर नर नर कर कर। अभी ये शब्द है तो इसलिए हम इनको ब्रेक कर रहे हैं, अभी आपका ये फर्स्ट टाइम है। और जब आप परफेक्ट हो जाएंगे और हम दो अक्षर से रिलेटेड जब हम वाक्य की रीडिंग करेंगे सेंटेंस की, तो तब आपको ब्रेक नहीं करना है, तब आपको डायरेक्टली शब्दों को रीड करना है। ओके कर कर घर घर चर चर नर नर कल कल चल चल छल छल जल जल घन घन जन जन तन तन और थन थन तट तट नट नट रट रट और वट वट। अब ब्रीडिंग करनी है फिर से। चलिए अभी मैम ने ब्रेक किया था, अब बिना ब्रेक करे हम बोलेंगे। कर घर चल नर कल चल छल जल। आपको पता मैम कैसे रीडिंग कर रही है? देखिए मैम ने बोला है, आपको सुनाई दिया नहीं ना, तो आपको भी ऐसी रीडिंग करनी है। कल जब आप ब्रेक करेंगे तो आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए, लेकिन जब आप डायरेक्टली आप वर्ड की रीडिंग करेंगे तब आपकी आवाज आनी चाहिए। कल चल छल जल घन जन तन थन तट नट रट और वट। अब आप सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये लिखा है स्वयं कीजिए, यानी आपको अपने आप करना है, डू इट योर सेल्फ। जैसे टब टब फ ल फल डर डर कब कब। ओके रथ रथ वक वक नल नल वन वन अब आप ओपन करेंगे पेज नंबर 20। आम 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 आग आग। देखिए आपने यहां पर रीडिंग करी है तो ये सारे व्यंजन थे, है ना। अब हमने यहां पर ये देखिए आ आ के साथ यानी स्वर के साथ व्यंजन भी ऐड हो गया, तो ये स्वर है आ ई और उ, तो ये भी हमने इससे रिलेटेड हमने शब्द यहाँ पर हैं, जैसे आम आम आग आग ईख ईख ऊन ऊन अब आठ आठ
आए आए, आग आग, आज, यानी इसमें आगे वाला जो है वो स्वर है, पीछे वाले व्यंजन है। आन आन, आप आप, इस इस, इन इन, ईख ईख, ईद ईद, ईश ईश, उस उस, उन उन, उफ उफ, ऊन ऊन, एक एक, ओस ओस, ओम ओम, और। तो अब आप देख रहे हैं इसमें जो पहला अक्षर है वो है स्वर, पीछे वाले जो अक्षर हैं वो है व्यंजन। यहाँ पर ये दोनों ही स्वर हैं, ठीक है। तो चलिए अब अभी यहाँ भी हम कंप्लीट करेंगे। क ब कब, ई न इन, ऊ स उस, आम आम, ईद ईद, और एक एक, ठीक है। तो आज हमने रीडिंग कंप्लीट करी है पेज नंबर 19 एंड 20 की। ये आपका नया कॉन्सेप्ट है, अभी आपको स्टार्टिंग में स्लोली स्लोली रीडिंग करनी है, ओके। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी मम्मा की हेल्प लीजिए और रीडिंग घर पर करिए। तो आज तो आपको सिर्फ रीडिंग ही करनी है, इसके बाद हम इससे रिलेटेड जो भी शब्द हैं वो आपको डिक्टेशन के लिए प्रिपेयर करने हैं, वो मैम आपको सेंड करेंगी, आपको तब लर्न करने हैं, ओके। तो आज आपको घर पर पेज नंबर 19 एंड 20 की रीडिंग करनी है, ये वाला वर्क आपको बुक में ही कंप्लीट करना है, ओके। तो चलिए अब टाइम ओवर हो गया है, मैम फिर से आएंगी और हम अपने दो अक्षर वाले शब्द को आगे बढ़ाएंगे। सो टेक केयर एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे।